सूर्याचा अभ्यास करण्यासाठीचं पहिलं पाऊल म्हणून सूर्ययान आदित्य L1 या उपग्रहाचं श्रीहरिकोटा इथल्या सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्रातून PSLV C57 या यानाद्वारे यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आलं। या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्यासह 200हून अधिक पत्रकार, शाळकरी विद्यार्थी तसंच मोठ्या संख्येने अभ्यासू नागरिक सतीश धवन अंतराळ केंद्रामध्ये हजर होते। -50 seconds. All seconds are summed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। ग्राउंड लीड स्ट्रैप ऑन सेपरेटेड। जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लीड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लीड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। एयर लीड स्ट्रैप ऑन सेपरेटेड। द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। सेकंड स्टेज सेपरेटेड, थर्ड स्टेज इग्नाइटेड। तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का। थर्ड स्टेज सेपरेटेड। प्रक्षेपणानंतर पुढच्या 4 महिन्यात आदित्य L1 पृथ्वीपासून 15 लाख किलोमीटरचं अंतर पार करणार असून त्यासाठी 125 दिवसांचा कालावधी लागण्याची अपेक्षा आहे। सूर्याच्या अभ्यासासाठी भारताची अंतराळातली ही पहिली वेधशाळा असेल। 44.4 मीटर लांबीचे आणि 321 टन किलो वजन वाहण्याची क्षमता असलेल्या या यानाला सूर्याच्या प्रभामंडळाचं दूरस्थ निरीक्षण करता यावं तसंच आदित्य L1 ज्या ठिकाणी पोहोचणार आहे त्या ठिकाणाहून सूर्य आणि पृथ्वीच्या L1 या बिंदूवर सौर वाऱ्याचं निरीक्षण करता येईल अशा पद्धतीने आदित्य L1 या यानाची रचना करण्यात आली आहे। इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुईस लगरेंज यांच्या नावावरून एल हे नाव ठेवण्यात आले। सूर्य आणि पृथ्वी यांना जोडणारे एकूण 5 एल बिंदू असून त्यापैकी L1, L2 आणि L3 हे 3 अस्थिर बिंदू आहेत। याआधी सुद्धा 3 देशांनी सूर्य मोहिमेवर उपग्रह पाठवलेत। त्यामध्ये अमेरिका, जर्मनी आणि युरोपीय अवकाश संस्था यांनी आतापर्यंत 22 वेळा असा प्रयत्न केला असून केवळ एकदाच त्या स्थितीतले नमुने मिळवण्यात यश आले। सूर्य मिशनवर नासाने सर्वात आधी यान पाठवलं होतं ते 1960 साली। तेव्हापासून एकट्या नासाने 14 वेळा ही मोहीम राबवली। नासाने जर्मनी आणि युरोपियन अवकाश संस्थेसोबत 5 वेळा असा प्रयत्न केला आहे।